यार सुबह सुबह मैं अपने घर के बाहर निकला तो देखा कि ये कुत्ता बड़े आराम से चिल मार रहा है बढ़िया मौसम में। तो मेरा भी मन किया कि चलो अपनी गाड़ी निकालते हैं अपनी डिज़ायर और कहीं घूम के आ जाते हैं। तो बस मैं घर गया, अपनी चाबी लेके आया और देखता हूँ तो क्या, जैसे मैं गाड़ी के पीछे गया अपने, तो गाड़ी का टायर हमारा पंचर हो रखा था। फिर क्या, अच्छे मौसम में तो हमारी मूड की पूरी ऐसे तैसी हो गई। अब तो एक ही ऑप्शन बचा था, गाड़ी का पंचर बनाओ और चलो। यार लेकिन बुरा बहुत लग रहा था क्योंकि नई नई गाड़ी है और पहली बार पंचर हुई है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तो चले हम बस अपनी टूल्स वगैरह निकाले, पाना जो भी होता है ये, और पंचर लगाने के लिए भिड़ गए। तो ये अभी हम जैक निकाल रहे, हमारी जो पुरानी गाड़ी थी उसमें ऐसा नहीं था रखने का सिस्टम, स्टेफनी के नीचे ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है। यार हमने ना जब नई गाड़ी ली है तो हमारी VXI मॉडल है, उसमें अलॉयज़ नहीं आते थे, तो हमने पाँचों के पाँचों टायर में अलॉयज़ लगवा लिए, कोई टेंशन ही नहीं। फिर स्टेफनी में भी ये लगवा लिए हमने अलॉय। तो बस अब क्या, चले अपने हाथ काले कराने के लिए। किया पूरा टायर वायर चेंज कराना था अब हमको, तो जो हमारा पंचर वाला टायर है वो हमने खोल के बिल्कुल नया वाला जो हमारा स्टेफनी वाला टायर था वो लगवा लिया। बाकी ये जो पुराने टायर को हम अपने पंचर शॉप में ले जाके पंचर बनवाएंगे इसका, अभी उसकी वीडियो नहीं बनाया मैंने, लेकिन जो पुराना हमारा पंचर वाला टायर था उसमें एक कील घुस गई थी। ये अभी यहाँ पर जो मैं टायर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर तो जगह भी नहीं है बैठने के लिए ठीक से, बहुत परेशानी है। चलो टायर चेंज करने के बाद सबके चेहरे पर एक बढ़िया मुस्कान आ गई, लेकिन यार कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम गई नहीं तो दूसरी फिर से टपक पड़ती है। अब देखो ये हमारे गाड़ी पे ना बहुत सी स्क्रैचेस देखने को मिल रही है, अभी मुझे आज ही पता चला इतनी सारी स्क्रैचेस आ गई। यार ये सारी हरकतें ना बच्चों की है, अब बच्चे मन के अच्छे होते बोलते, बच्चे अच्छे होते, लेकिन यार बच्चे शैतान भी होते, ऐसी शैतानी कर देते हैं हमारे मोहल्ले के बच्चे। कितना बुरा लगता है यार, नई नई गाड़ी है, कोई कोटिंग वोटिंग नहीं कराई, फिर भी देखो कितनी स्क्रैच मार के रख दी है। अब ये फालतू का अलग से टेंशन बढ़ गया सर के ऊपर, कैसे कराएंगे अब इसको। ये सारी देखो ना पूरी क्लियरली दिख रही है यार, अब एक ही दिन में डबल नुकसान हो गया, दो दो नुकसान एक ही दिन में हो रहे हैं ऐसे। तो अब बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं घूमने जाने का, बस अब गाड़ी को वॉशिंग कराने लेके जाते हैं अभी अब अड्डे पर अपने। गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं कार वॉशिंग कराने के लिए। तो हमारे गांव में एक बढ़िया फैसिलिटी है कार वॉशिंग की, जो कि एकदम फ्री में हो जाती है। तो फ्री में इसलिए होती है क्योंकि सेल्फ सर्विस है वहाँ पर, खुद ही सर्विस करना पड़ता है खुद की गाड़ी की। तो अभी इतने तंग गली में हम रहते हैं तो यहाँ से रिवर्स लेते हुए जाना पड़ता है हमको पहले। अभी हम जा रहे हैं, ये हमारे गांव का कुछ नज़ारा है। इसमें शैम्पू लेना पड़ेगा ना सबसे पहले अपने को, कौन सा अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए? चीक शैम्पू, एक काका के पास चलेंगे चिक शैम्पू। देखिए भाई से बहुत अच्छा इधर दूध का कारोबार हो जाता है, चिक शैम्पू से गाड़ी अच्छी वॉश होती है, थोड़ा शाइन आ जाता है गाड़ी पे। देखिए दोस्तों अभी जो गाड़ी का माइलेज दिखा रहा है हमको ये 20.4 का है, और इसकी ट्रिप मैं आपको बता देता हूँ, 281 किलोमीटर गए थे हम, एक ट्रिप थी छोटी सी, तो उसका माइलेज है ये जो 20.4 का है ये। इसमें बहुत सारी लोकल में भी घूमी है गाड़ी और हाईवे पर भी चली है, तो ये और माइलेज है उस 280 किलोमीटर का। तो चलते अभी, ये ऐसे स्ट्रगल हमको रोज करना पड़ता है ना ऐसे गांव में, रोज डेली ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है हमको गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए फिर माइलेज नहीं देती गाड़ी हमारी। नहीं उधर सीधा चलो, ये देखिए ऐसे रास्ते होते हैं, रास्तों पे समझदार है ये गाय। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, वरना जो हमारी पुरानी डिजायर थी इंडिगो थी, यहाँ से भी ऊपर चढ़ जाती थी ये पत्थर वत्थर से, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस था उसका। अरे ये ऐसी स्ट्रगल डेली,
तो आ गए हम अपने सर्विस सेंटर पे। तो ये है अपना सर्विस सेंटर, तो ये है अपना सर्विस सेंटर जबरदस्त वाला। हाँ यार, ये डिजायर की ना बड़ी दिक्कत है साला, एक बार में दरवाजा बंद नहीं होता, हल्के से अगर धक्का मारेंगे तो बंद ही नहीं होता, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये है हमारा सर्विस सेंटर, यहाँ से आएगा पानी और ये हमारा सामान वॉशिंग का। और कुछ है क्या इसके अंदर डिग्गी में? शैम्पू कौन सा लेके आया? दिखा शैम्पू, शैम्पू दिखा, चीक शैम्पू बोला था ना, सनसिल्क लेके आया है। तो ये बाल्टी लेके आए हम घर से, ये मग्गा, कुछ टायर वायर के लिए ब्रश, और ये स्टेफनी वाला टायर बिल्कुल न्यू है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये स्टेफनी में हमको पाँचों के पाँचों अलॉय व्हील है हमारे पास, लेकिन वो जो स्टेफनी वाले टायर में ये सुजुकी का जो ये जो नाम है लोगो वाला बैच, वो यहाँ पे नहीं मिला, तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो हम उस गाड़ी का पंचर बनाएंगे और वापस से वही वाला टायर यहाँ पर लगा देंगे और इसको स्टेफनी की जगह पर डाल देंगे। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसको मैंने लिया था, 100 रुपये का कपड़ा लिया था, माइक्रो फाइबर, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है ये कपड़े से, बहुत अच्छा है। देख, और ये इससे हम टायर पोछेंगे, ये भी बहुत अच्छा कपड़ा है, हमारे चड्डी का कपड़ा हुआ है ये, फटी वाली, इससे टायर वायर पोछ लेंगे अपन। ये जो मैट हमने गाड़ी में लगाए हैं ये बहुत यूजलेस है, किसी काम की नहीं है यार, सब बेकार है, क्योंकि एक तो ये जो कपड़े वाले हैं तो जल्दी गंदे हो जाते हैं और ये रेती मिट्टी बहुत जल्दी पकड़ के रखते हैं। तो अभी सोचा है हमने कि इसको चेंज कराएंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बेकार चीज़ है करके ये मैट। तो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं डिज़ायर, तो ये सुजुकी की तरफ से ही ऑफ़र होते हैं। तो मैं आपसे मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैट है बिल्कुल यूज़लेस है, तो इसको ना ही ले तो ही बढ़िया है, आपके पैसे सेव हो जाएंगे। इसके बदले में आप कुछ दूसरी अच्छी सी मैट ले सकते हैं जो रेती वगैरह होल्ड करके, मतलब जिसको सफाई करने में आसान हो अपने पसंद की, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ना ले, मैं इसको बिल्कुल भी रेफर नहीं करता किसी को। तो वैसे अंदर से तो हमारी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी एक हाथ मार देते हैं इसके ऊपर। ये मैट देखो, ये पूरी गंदी हो गई है, ये रेती यहाँ पर जमा हो गई, ये गाड़ी को लैमिनेशन नहीं कराया हमने। देखो यार, जो लोग ना अपने गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं ना, वो उसके साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे गाड़ी कभी 2 दिन भी खड़ी रह जाती है ना, तो ये मच्छर मक्खियाँ आ जाती है गाड़ियों में। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये मरे हुए मच्छर है, मकड़ी का भी जाला बन जाता है कभी कभी, तो इसको रेगुलर साफ करते रहना चाहिए। अब ये जो मक्खी है ये अंदर फंस गई है, तो यहाँ से तो मेरी फिंगर भी नहीं जा रही है इनको निकालने के लिए, देखिए फिंगर भी नहीं जा रही है, तो इसको कुछ लकड़ी वकड़ी से निकालना पड़ेगा पतली सी। ये बहुत परेशान करते हैं। अब हमारे इधर तो दोस्तों चूहे वगैरह नहीं है, वरना बहुत लोगों के गाड़ियों में तो चूहे भी तबाही मचाने से बाज नहीं आते, हमारे इधर वो दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। वैसे चूहे भी वो उस जगह पर जहाँ जाते हैं जहाँ पर ऑयली चीज़ें हो या फिर खाने पीने का सामान बहुत पड़ा हो, मतलब जहाँ मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा हो, ऐसी जगह में चूहे ज़्यादा पनपते हैं। अगर हम गाड़ी खुले में रख रहे हैं किसी शेड में बाहर, तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते चूहे के आने के। बाकी जिनकी पार्किंग अंदर में है मकान के अंदर, उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चूहों की, हमारे यहाँ वैसे दिक्कत नहीं है कोई चूहे वगैरह की।
वैसे अपनी गाड़ी अच्छी थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी। ये हमारे डिज़ायर और ये ज़बरदस्त नज़ारा। ये जो नाला है ये पार्क के उस पार तालाब है, वही का नाला है, और तालाब से उस पार मतलब तालाब के किनारे उधर हमारा घर है, और हमारे घर के सामने ये हमारी डिज़ायर रहती है। इससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं होती है इसे बाल्टी के पानी से, स्प्रे अच्छा रहता है, नहीं होती है, गोबर की वजह से बहुत चलती है। हमारे गांव में आपको गाड़ी कहीं से गंदी नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको सारे गाड़ियों के टायर में मिलेंगी देखने के लिए, वो चीज़ है गोबर। गाड़ी के टायरों में गोबर देखिए, गोबर गोबर गोबर। ये टायर मैंने अभी चेंज कराया, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ होगा जब पंचर हुई थी, तो आते तक के इतना गोबर लग गया। और मैं दिखाता आपको रोड के ऊपर कितना गोबर है, गोबर नंबर 1 2 3 सारे गोबर के ही निशान जितने भी दिख रहे हैं। ये देखिए इतना सारा, और ये गोबर करने वाले के रखवाले हैं, ये जो जा रहे हैं डंडा लेके। नाम संग अपला हाँ निहाल, निहाल इकड़े भाई और पाइना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गाड़ी की वॉशिंग अब हो गई, अब हम घर चलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा।